हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर। दिस इज़ द कंटिन्यूशन वीडियो ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियल्स। देखिए, इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट ऑल द बेसिक्स एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है एंड इन दिस बैलेंस शीट वी हैव गिवन दैट द कंपनी हैविंग 40,005% redeemable preferential shares of ₹10 each, that is fully paid up, that is amount ₹4 lakh. 20,000 equity shares of ₹10 each, that is ₹2 lakh. Securities premium ₹50,000, P&L ₹3,80,000. Right, now as per the terms of preferential shares, these are redeemable at premium of 5% on this date. And it was decided to arrange this as far as possible out of company's resources, subject to a living balance, that is 50,000 in the credit of P&L account, right? It was also decided to raise balance amount, that is issue of 17,000 equity shares of ₹10 each, at a premium of 2.5 per share, right? देखिए, अब आपका full fledged question आ गया है। सो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, देखिए जब भी आपका क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपको देखना है कि कंपनी का जो सेक्शन है दैट इज़ सेक्शन 55, क्या वो उसकी जितनी भी कंडीशन है वो फुलफिल हो जानी चाहिए। तो पहले आपको चेक करना है कि वेदर ऑल द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर फुली पेड अप और नॉट। तो फुली पेड अप इस केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। देन हमें क्या चेक करना है, हमें देखना है कि कंपनी जो है जो ये इसका जो सोर्स कौन सा यूज़ कर रही है। कंपनी जो पार्टी यूज़ कर रही है यानी कि पार्टली फ्रेश इशू एंड पार्टली CRR। अगर आपको सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स गिवन है फ्रेश इशू का, तो पहले आपको फ्रेश इशू यूज़ करना है एंड देन रिमेनिंग अमाउंट गोज टू CRR एंड CRR को हमें क्या यूज़ करना है, दैट इज़ फ्री रिजर्व। एंड हमारे पास एक ही फ्री रिजर्व, दैट इज़ कॉल्ड P&L, राइट। तो देखिए, बहुत ध्यान से करना है आपको, पहले क्या करना है, वर्किंग नोट। तो देखिए, वर्किंग नोट ध्यान से देखिए। फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दैट इज ₹4 लाख। फ्रेश इशू कंपनी कितना करी है, 17,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 1,70,000। CRR कंपनी क्या यूज़ कर रही है, दैट इज 2,30,000। एंड CRR कंपनी कहाँ से लाएगी, P&L से। कंपनी का P&L कितना है, 380 है। एंड 380 में से कंपनी 50 तो यूज़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि 50 तो कंपनी को रिटेन करना है, तो बाकी कंपनी यूज़ करती है। कंपनी के पास अभी है, देखिए कंपनी के पास P&L कितना अमाउंट है, 380। कंपनी 50 यूज़ कर ही नहीं सकती, सो दैट मीन्स कंपनी कैन यूटिलाइज ओनली 3,30,000। कंपनी CRR कितना यूज़ कर रही है, दैट इज़ 2,30,000। फिर भी कंपनी के पास जो है ₹1,00,000 का प्रॉफिट अभी भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो देखिए, पहले एंट्री करें कि प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कैसे करनी है, दैट इज़ 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 each, that is 4 lakh। कितने थे, देखिए ये एंट्री किससे होगी, दैट इज 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट। कंपनी 5% प्रीमियम पे कर रही है, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी फोर, कितने शेयर से कंपनी के, 40,000 मल्टीप्लाई 10 ईयर्स, राइट। देन कंपनी यहाँ पर जो है कितने पे प्रीमियम यूज़ कर रही है, दैट इज ₹5 के हिसाब से, राइट। तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी। देन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दैट इज़, ये आपकी किस हो जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 4,20,000 कंपनी को पेमेंट करनी है टू प्रेफरेंस होल्डर्स। इसके बाद कंपनी जो है 2,30,000 का कंपनी CRR यूज़ कर रही है, तो वो CRR कहाँ से आएगा कंपनी के पास, फ्रॉम P&L अकाउंट। देन कंपनी फ्रेश इशू कर रही है कितना, 17,000 शेयर्स, तो ये एंट्री हो जाएगी कि 17,000 मल्टीप्लाई बाय 10, दिस इतना प्रीमियम करी 2.5 पर शेयर, तो शेयर एप्लीकेशन में इतना आ जाएगा। और पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दैट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑलराइट। देन कंपनी जो पेमेंट करेगी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, अगेन ये आपका होगा, दैट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम,
बस अब कंपनी ये क्या कर रही है, कंपनी कर रही है ये राइट ऑफ कर रही है, दैट इज़ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कहाँ से कर रही है कंपनी? पी एन एल अकाउंट से कर रही है। कितना? 20,000 रुपये का, राइट? क्लियर। चलिए ना मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी की बैलेंस शीट है, ऑथोराइज्ड है कंपनी के पास 5 लाख इक्विटी शेयर रुपीज 10 each, और कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू कितने करने हैं? 4 lakh into 10 each। कंपनी के पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं इशूड एंड सब्सक्राइब बोलने, दैट इज 60,000, 14% प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 20 each। इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास 3.5 लाख रुपये की है, P&L कंपनी के पास 7 लाख रुपये का है। इट वॉज डिसाइडेड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल करी है 3 लाख रुपये की, थे कितने के? 3.5 लाख, यानी कंपनी को क्या हो गया? 50,000 को कंपनी का जो है वो क्या हो गया? लॉस हो गया। एंड लॉस कहाँ से एडजस्ट होगा? फ्रॉम P&L। फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडेम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू अ लिविंग अ बैलेंस ऑफ रुपीज 2 lakh इन द P&L अकाउंट, यानी कंपनी जो 7 लाख में से कंपनी 2 लाख तो यूज़ कर ही नहीं सकती, राइट? देखिए कंपनी के पास P&L है कितना? 7 लाख रुपये का है, 2 लाख तो कंपनी को जो रिटेन करना है, और 50,000 का कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट से लॉस हो गया, तो कंपनी कितना यूज़ कर सकती है? दैट इज़ ओनली 4,50,000 कंपनी जो P&L यूज़ कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग CRR। देन कंपनी यहाँ पर बोल रही है इशू सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सफिशियंट बोल दिया, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया कंपनी ने, तो हमें पहले CRR की तरफ जाना होगा, उसके बाद कंपनी को फ्रेश इशू की तरफ जाना होगा। बट कंपनी यहाँ पर फ्रेश इशू किस पे कर रही है? प्रीमियम पे कर रही है, राइट? ओके, सो लेट्स लुक एट अ सॉल्यूशन। तो देखिए प्रीमियम रिडेम्पशन कितना है? 6 lakh into 20, दैट इज 12 lakh। अमाउंट अवेलेबल फॉर CRR कितना है? देखिए प्रॉफिट कितना है? 7 लाख का। 50,000 कंपनी को लॉस हो गया, 2 लाख कंपनी को बैलेंस छोड़ना पड़ेगा, और फिर कंपनी जो है इसको कंपनी रिडीम कितने कर रही है? 5% पे, तो कंपनी को ये 60,000 भी कंपनी को यूज़ नहीं कर सकती, तो कंपनी कितना यूज़ करेगी? ओनली 3,20,000। एंड ये कंपनी किसके यूज़ करेगी? फॉर द पर्पज ऑफ CRR। एंड नेक्स्ट अमाउंट किसके लिए चला गया? फ्रेश इशू का, दैट इज़ 8,10,000। एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 8,10,000 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 81,000, राइट? मेक श्योर क्लास यहाँ पर 10 ही आएगा, चाहे कंपनी ने प्रीमियम पे ही क्यों ना करो, तब भी डिवाइडेड बाई 10 करोगे, राइट? बस बाकी जॉइन एंट्री करोगे, पहले एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, P&L क्योंकि लॉस हो गया क्योंकि टू इन्वेस्टमेंट, देन प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम, देन कंपनी ने फ्रेश इशू करे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, देन कंपनी CRR यूज कर रही है फ्रॉम P&L अकाउंट, कंपनी ने पेमेंट करी प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूडिंग प्रीमियम, देन कंपनी राइट ऑफ कर रही है प्रीमियम रिडेम्पशन, दैट इज़ फ्रॉम P&L अकाउंट, राइट? देखिए क्लास ये अब आपकी सारी जो है, मान लीजिए ये सब ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये आपकी कॉमन एंट्रीज हो गई होगी, यानी कि या तो आप अच्छे से याद कर लीजिए कि ये कौन कौन सी एंट्रीज हो रही है, राइट? जनरेटरी से आपको नेचर पता ही है, उसी तरह से आपको करना है, बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जनरेटरी करने का। चलिए नाउ नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। 5,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 each, 5 lakh। कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स भी हैं, कैपिटल रिजर्व 1 lakh है, जनरल रिजर्व कितना है? ये फ्री रिजर्व है हमारा, तो जो फ्री रिजर्व हम इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, दैट इज 2 lakh। फिर P&L कंपनी के पास 1 lakh रुपये का। द प्रेफरेंस शेयर्स आर टू रिडीम एट ऑन दिस डेट एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 5 लाख का 10% कितना हुआ? 50,000। ऑन 1 अप्रैल कंपनी ने फ्रेश इशू करें, वॉज मेड टू द एक्सटेंड इट इज़ रिक्वायर्ड अंडर द कंपनी साइड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बट हमें ये नहीं बताया कि कितने शेयर्स हैं, तो दैट मीन्स हमें पहले कहाँ जाना होगा? CRR के लिए। द शॉर्ट फॉल इन कैश रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन आफ्टर यूटिलाइजिंग द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू वॉज मेट बाय रेजिंग अ बैंक लोन, यानी हो सकता है कंपनी की जो पैसों की कमी रह गई थी, तो कंपनी ने क्या करा? बैंक लोन लीज़ करा, और कंपनी ने एक रेस्ट्रिक्शन भी डाला हुई, कंपनी जो है मिनिमम अमाउंट कंपनी को रखना होगा फॉर डेली जो बिजनेस ऑपरेशन होते हैं उसके रिक्वायरमेंट है, 50,000 कंपनी को रखना होगा। बस अब हमें जनरेट करनी है, एंड यहाँ पर अब एक बैलेंस शीट भी गुजरा है, तो बैलेंस शीट भी देख लेंगे।
तो पहले वर्किंग नोट देखिए, फेस वाले कितना जाएगा, इतना अमाउंट हो गया। जन हम पहले देख रहे हैं सीआर के लिए, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कंपनी फ्रेश इशू के लिए कंपनी कितने शेयर इशू करने जा रही है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जर्नल जब कितना देखिए 2 लाख का है आपको, जब जर्नल कितना था 2 लाख रुपये का, देखिए देखिए पिन कितना था 1 लाख रुपये का था। लेकिन 1 लाख में से कंपनी क्या करेगी है, जो कंपनी को ये प्रीमियम पे इशू करने हैं वो कंपनी 10% नहीं के 50,000 वो यूज़ नहीं कर सकती। तो मैंने पहले 50,000 लिख दिए, तो टोटल कितना होगा 2.5 लाख। बाकी 2.5 लाख कहाँ से आएगा कंपनी के पास, फ्रेश इशू का, राइट। यहाँ पर आप चाहे नंबर ऑफ शेयर्स भी निकल सकते हो, टोटल फ्रेश इशू का अमाउंट कितना, दैट इज़ 2,50,000। डिवाइड बाई किससे करोगे, यहाँ पर आप डिवाइड बाय आप उसे से करोगे जो यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ 100, राइट। तो उसको डिवाइड बाई 100 करोगे, दैट मीन्स कितने शेयर हो गए आपके पास, 2,500 शेयर्स आप जो इशू कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखिए पहले देखेंगे लायबिलिटी कंपनी कितनी है इंक्लूडिंग प्रीमियम। कंपनी 2.5 लाख का शेयर सीआर यूज़ कर रही है, 2 लाख कंपनी जर्नलिज से लगा रही है, 50,000 पीएनएल से और इस सीआरआर में ट्रांसफर हो गया। मैं शोर क्लास मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंपनी सीआरआर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रही है, दैट इज़ टू मेंटेन द डेट इक्विटी रेशियो। एक तो ये पर्पस है कंपनी की, जो है डेट जो है वो मेंटेन रहेगा, यानी कि कंपनी का डेट जो बढ़ेगा नहीं। दूसरा एक होती कंपनी सीआरआर किस पर्पस यूज़ करती है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बोनस इशू, और कोई कंपनी का पर्पस नहीं होगा, कंपनी इसको यूज़ और किसी पर्पस का यूज़ नहीं कर सकती। चलिए कंपनी ने अब जो है फ्रेश इशू करा, राइट। फिर कंपनी ने बैंक लोन रेज करा। अच्छा बैंक लोन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए कंपनी के पास देखिए कैश कितना है, 4,500,000 का। देखिए 4,500,000 में से कंपनी जो है 50,000 तो यूज़ कर ही नहीं सकती, तो उसको तो अब निकाल दो, कितना हुआ 4 लाख। अब बताओ कंपनी को फाइनली जो है देखिए प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट कितनी करनी है, 5.5 लाख की, 5.5 लाख की कंपनी को जो पेमेंट भी करनी है, राइट। एंड कंपनी के पास जो है कुछ शेयर कैपिटल का अमाउंट भी आ गया, कितना आ गया 2.5 लाख रुपये का हो गया कंपनी का। तो यहाँ पर देखिए ढाई लाख रुपए कंपनी के पास और आ गए फ्रेश इशू से, तो अमाउंट कितना है कंपनी के पास, 6.5 लाख रुपये हो गए, राइट। एंड बैंक लोन की दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए इसमें क्वेश्चन में, कंपनी के पास 4.5 लाख रुपये का कैश है, 50,000 कंपनी यूज़ कर नहीं सकती, तो कंपनी 4 लाख तो यूज़ कर ही सकती है। और फ्रेश इशू कंपनी करनी है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख रुपये ही आ गए, तो कंपनी 6.5 लाख रुपये हो गए। कंपनी को पेमेंट कितनी कर रही है, इंक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 5.5 लाख। कंपनी के पास तो फिर भी अभी भी 1 लाख रुपये का कैश बैलेंस अवेलेबल है, आई गेस इसमें अमाउंट में कुछ चेंज होगा, राइट। इसलिए शायद ये एंट्री यहाँ पर ये की गई है, हो सकता है मैंने गलत दिया हो, राइट। हो सकता है वहाँ पर जो अमाउंट के 50,000 ना हो, ज़्यादा हो सकता है वो 3.5 लाख रुपये हो या 2.5 लाख रुपये हो, अच्छा कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इस वजह से यहाँ पर जो ये मैंने एंट्री की गई है। चलिए कोई नहीं, क्लास आपको फिर भी पता होना चाहिए कि देखिए एंट्री का बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन
अभी आप अमाउंट में ध्यान मत देना, हो सकता है मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी हो, बट अगर कभी कभी भी कंपनी को अगर बैंक अकाउंट बैलेंस अगर कम लग रहा हो तो हमेशा कहना कंपनी को बैंक लोन लेना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तब भी, राइट। फिर उसके बाद कंपनी जो प्रोफेशनल को पेमेंट करेगी इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड देन राइट ऑफ करेगी फ्रॉम पी एन एल अकाउंट, राइट। क्लास में बैंक लोन के लिए फिर से बोल रहा हूँ, देखिए अगर लोन कंपनी क्वेश्चन में बोल रहा है फिर तो लेना लेना है, मीन्स देखना पड़ेगा कि आपके पास कैश कितना है। अगर गिवन नहीं है मान लीजिए क्वेश्चन में, तब भी आपको जो है यहाँ पर कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस चेक करना होगा कि क्या कंपनी के पास जो है सफिशिएंट अमाउंट है इस पेमेंट को करने के लिए, राइट। नहीं है तो फिर आपको बैंक लोन रेज करना पड़ेगा, ऑलराइट। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट देख लीजिए एक बार, अब देखिए इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास कितने हैं, 10, ये पहले से ही थे कंपनी के पास, कंपनी ने ये शेयर को इशू करे इक्विटी शेयर्स कितने का 2.5 लाख, टोटल कितना हो गया ये, प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो वो आएगा ही नहीं। कैपिटल रिजर्व कंपनी के पास 1 लाख रुपये पहले था, CRR और आ गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम यह इतना आ गया, टोटल अमाउंट इतना हो गया, करंट लायबिलिटीज थी इतनी देखिए 10 लाख रुपये की, राइट। बाकी तो देखिए सब वैसे ही लिखा हुआ जो जैसा पहले था, तो टोटल कितना आ गया यहाँ पर ये लायबिलिटीज का 27 लाख रुपये। नॉन करंट में देखिए आपके पास फिक्स असेट है 20 लाख रुपये की, ये एसिटीज आ जाएगा, ये भी एसिटीज आ जाएगा, ये भी एसिटीज आ जाएगा, राइट। तो देखिए ये सब एसिटीज लिखा हुआ है मैंने, बाकी कैश देखिए यहाँ पर दिस वन करोड़ कितना हो गया 7 लाख रुपये का। कंपनी के पास पहले इनिशियली कितना था 4.5 लाख रुपये का, 2.5 लाख रुपये और आ गए, 5.5 लाख की पेमेंट करी, तो कंपनी के पास कैश अभी भी 7 लाख रुपये का है, टोटल कितना हो गया 27 लाख रुपये, राइट। तो बैलेंस शीट देखिए टैली होगी, राइट। सो क्लास दिस इज़ दी अनदर लेक्चर, मैं थोड़े से और ब्रीफ जो है थोड़े से टफ क्वेश्चन लिए, बट अभी जो नेक्स्ट जो आपका वीडियो लेक्चर आएगा वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो क्लास मेक श्योर पहले आप ये दोनों वीडियो लेक्चर अच्छे से देखना, तभी आप जो थर्ड वन देखना, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ऑलराइट। सो आई बिलीव आपको अच्छे समझ आ गया होगा, थैंक यू।